संकीर्णता या संकीर्ण विचार उनसे बहुत परे था। उन्हीं से मैंने ऋग्वेद के एक श्लोक का आंसर समझा, धर्मेत धियंता बुद्धि मनस्तु महतस्तु ते। धर्म में बुद्धि यानी विवेक को, विचार को धियंत रखो, मनस्तु महतस्तु ते, मन को विशाल रखो। मुझे लगता है शायद उनकी सरकार की कार्यशैली का यही निचोड़ है। सर, अटल जी को देश की पहली गठबंधन सरकार जो कि सफल रही चलाने का श्रेय जाता है, उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे था और क्या ऐसी खासियत थी जो कि वो इतना बड़ा गठबंधन इतने दलों को साथ में लेकर चले और उन्होंने पूरी सरकार चलाई? 24 पार्टियां थी, एनडीए बना, एनडीए एकदम नहीं बना था, धीरे धीरे बना था क्रम से। 96 का इलेक्शन हुआ, 98 का हुआ। मैं एनडीए का पहला कन्वीनर था, फिर मैंने ही अटल जी को कहा, अटल जी ये ठीक नहीं, आप मुझे कन्वीनर पद से हटा लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बीजेपी का हो और कन्वीनर भी बीजेपी का हो, ये ठीक नहीं। और वैसे मेरे पास काम भी वैसे बहुत था, उनका क्या करें, उनका जॉर्ज साहब को बनाइए, जॉर्ज भी मेरे बहुत अभिन्न मित्र, जॉर्ज साहब को बनाया। एक तो जॉर्ज साहब, जॉर्ज के साथ अटल जी का काम ठीक चलता था, जॉर्ज उनकी बात समझते थे, वो जॉर्ज की बात समझते थे, जॉर्ज सोशलिस्ट, अटल जी भावुक तरीके से सोशलिस्ट, जॉर्ज वैचारिक तरीके से। मैं जॉर्ज से भी मिलता था तो उनको, बहुत एंटी कम्युनिस्ट थे जॉर्ज हैं, मैं उनको मिलता था तब लाल सलाम ऐसे ही कहता था। अटल जी को दूसरी पार्टियों की क्या प्राथमिकताएं हैं उसकी पकड़ थी और उन पर प्राथमिकताओं का वो आदर करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन प्राथमिकताओं के पीछे एनडीए की या बीजेपी की जो मूल बातें हैं उनको छोड़ देते थे, वो नहीं, तो उनको ध्यान में रखते थे। जो अगर वैसे देखा जाए तो जो बातें मूल की हैं उनको कभी तिलांजी नहीं देंगे, जहाँ खड़े दृढ़ रहना है वहाँ दृढ़ भी रहे। भावुक बहुत मालूम था हम सबको कि अगर कहीं ज़्यादा पुश होगा तो अटल जी छोड़ भी सकते हैं पद को, ऐसा नहीं था। तो पद के पीछे लगे रहने की कोई ऐसी पद लोलुभता भी नहीं थी। इन्हीं कई कारणों के मिश्रण से वो चला। 2004 में हम ठोकर खा गए, ऐसी हरी। सर, अटल जी की निजी राय, जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे और अटल जी एज ए पर्सन आप उनको कैसे देखते हैं? उनके जब वो राजनीति की बात नहीं करते थे, जब राजनीति से दूर रहते थे। नहीं, ऐसा है, राजनीति की बात नहीं, व्यक्ति के जीवन में बहुत ही मस्त स्वभाव के। एक उदाहरण है जो अक्सर अडवाणी जी भी देते हैं, सब कुछ हार गए इलेक्शन में। दो उदाहरण देता हूँ, एक तो सब कुछ हार गए, तो जब ये सब कुछ हुआ तो आडवाणी जी ने पूछा, आप क्या करें अटल जी? तो वह चलिए सिनेमा देख रहे थे। ये भी उनके एक बार सब कुछ हार गए, बड़े नाराज हो गए। ये 1984 के बाद की बात है, दो ही सीटें आई हैं, वहाँ बहुत दुखी। कुछ लोग आए, याद आता शायद, नाम नहीं लोगों का जो आए, उनका साहब ये प्रोग्राम है मध्य प्रदेश में, चलिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब कोई प्रोग्राम नहीं करूँगा।
ऐसे परिणाम आते हैं, क्या फायदा परोपकार का। तो उन्होंने कहा कि अटल जी आप कहीं नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या, मैं तो घर पढ़ाई वढ़ाई की नौकरी भी कर लूँगा, आप क्या करेंगे। तो ठहाका मार के हंस गए और बोलने लगे भाई ठीक बात करते हो, जाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने उनके मानसिकता में व्यवहार में ऐसा नहीं था कि आप उनसे डिसएग्री ना कर सके। मैं जब देखता हूँ उनके साथ व्यवहारिक जीवन में कितनी बार कितने मतांतर हुए, ऐसे ऐसे मतभेद हुए, कुर्सी टेबल पीट पीट करके मैंने कहा नहीं अटल जी ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, मैं ये गलत है और मैं जानता हूँ कि आपको मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर क्यों कह रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, मान लेते थे, ये बहुत बड़ा गुण है। सर मकसद की बात आप कर रहे हैं, क्या मकसद है राजनीति में आने का? शायद अहंकार ज़्यादा था, मुझे ऐसा लगता था, उम्र कम थी, 30 साल का भी नहीं था, 28 साल की उम्र थी, ऐसा लगता था कि मेरे पास सभी सवालों के जवाब हैं और मैं ज़रूर जो देश के सामने समस्याएं हैं उनका समाधान निकाल दूँगा, ये अहंकार था। आज मैं सोचता हूँ मेरे पास सब समाधान नहीं है, ईश्वर एक दो समाधान के योग्य भी बना दे तो बहुत बड़ी बात हो। सर कभी आपको लगा बीच में कि हमको राजनीति में आके आपने गलती की या फिर आपको नहीं आना चाहिए था? ये मेरे लिए एक बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि ईमानदारी से जवाब दूं तो ऐसा लगता है, कई बार लगता है कहाँ आ गया, फिर उसके उत्तर में स्वयं से बात उपजती है, ठीक ही तो किया यहाँ आके, कितना कुछ हासिल कर सके यहाँ आकर, क्या फौज में वो हासिल करते हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न को किसी तराजू या ताकड़ी में रख के तोल नहीं सकता, एक तरफ फौज एक तरफ बाकी के, अपनी अपनी जगह है। अभी मैं देखता हूँ सोचता हूँ आज भी संसद में दोनों सदनों में फौज के अनुभव का और कोई नहीं है, क्या ये एक मुझे विशिष्टता मिलती है इससे, कोई पहचानता नहीं इस बात को, इसकी कोई महत्ता नहीं है, चलिए जिंदगी ऐसे ही। सर आप लिखते पढ़ते भी हैं लेकिन कुछ विवाद उससे भी जन्मे हैं, आपको खुद पता है कि जो आपने किताब लिखी थी उसको लेके जो हुआ, तो क्या आपको लगता है कि वो सब गैर जरूरी था जो विवाद हुआ? वो बिल्कुल नहीं, विवाद हुआ वो बिल्कुल ना समझी का विवाद और बिल्कुल ही गैर जरूरी। मुझे बहुत दुख हुआ, आज भी दुख होता है जब उसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के विवाद संकीर्ण मानसिकता से उत्पन्न होते हैं। जब आप विचार पर पाबंदी लगाना शुरू करेंगे, आप सहमत नहीं है मत होइए सहमत, अपने मतों के अनुसार किताब लिख दीजिए, कोई रोकता नहीं। जिस दिन भारत में विचार पर हम इस प्रकार से ताला लगाना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है हम भारत के भविष्य पर ताला लगाएंगे, विचारों के तो विचार ही नहीं जहाँ होगा वहाँ तो कैसा रेगिस्तान बना रहे हैं। सर पार्टी में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, आपको क्या किसी को ब्लेम करेंगे उसके लिए? नहीं मैं किसी को नहीं करूंगा, रहीम का एक दोहा है, कर्म नचावत ज्यों कठपुतरी, नहीं आपने हाथ रहीमन अपनो हाथ भी,
नहीं अपने हाथ, समझिए, हम किसको दोषते हैं। सर, पार्टी ने आपको निकाला फिर आपको वापस लिया, ये मैं नहीं समझ पाया। लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं आपने जो लिखा था पार्टी ने पहले उसको नकार दिया, लेकिन बाद में स्वीकार किया, तभी आपको पार्टी को वापस लिया था। कोई तो जिम्मेदार होगा पार्टी में इसके लिए। ये मैं विश्लेषण में जाना नहीं पाया। मैं कई बार कहता भी हूँ, आडवाणी जी कहा, गडकरी जी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उनको भी कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने क्यों मिल करके कहा बाहर चले जाइए, और मुझमें मेरे विचारों में मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, आप लोगों ने कहा वापस आ जाइए, अब क्यों तो आप